हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड के हेल्थ केयर में। फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेंड एग्यूनिल सिरप। आज हम एग्यूनिल सिरप का फुल इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड आप देखते होंगे कि मौसम चेंज हुआ है, हम यूँ भी कह सकते हैं फ्रेंड कि बीमारी वाला मौसम चल रहा है। हर घर घर में जाड़ा, बुखार, मलेरिया, डेंगू, बदन में दर्द, बॉडी में दर्द, इम्यून सिस्टम का वीक होना, डेंगू मलेरिया बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो फ्रेंड, इन्हीं बीमारियों को देखते हुए फ्रेंड हम एग्यूनिल सिरप का फुल इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले हर नए नए टॉपिक की वीडियो बिना देरी किए हुए सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, जानते हैं फ्रेंड हम इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले फ्रेंड हम इसकी कंपनी की बात करें तो फ्रेंड इस कंपनी का नाम भार्गव फाइटोलैब प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग की हुई बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। एक ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर हम फ्रेंड हम इसके कंटेंट की बात करें, कौन कौन से इसके अंदर कंटेंट डाले गए हैं, तो फ्रेंड इसके अंदर गिलो, पपीता, नीम, तुलसी, जैल्सीमियम, परफोलियाटम, बेलाडोना, सेम्बिरेंस, ऑक्सीमम, इपाटोरियम, इसी तरह के तमाम इसके अंदर इंग्रीडियंट्स डाले गए हैं। बात करें फ्रेंड हम इसके MRP की, तो फ्रेंड जो हमारे पास सिरप है 160 रुपये की इसकी MRP, एक्सपायरी डेट की बात करें फ्रेंड तो 2028 तक ये अवेलेबल है। ML की बात करें फ्रेंड तो 200 ml में ये सिरप आता है। अब बात करें फ्रेंड हम इसके यूजेस की, कौन कौन सी प्रॉब्लम में फ्रेंड एग्यूनिल सिरप का यूज़ किया जाता है, तो फ्रेंड एग्यूनिल सिरप का यूज़ यूँ तो सभी बीमारियों में किया जाता है, बट विशेष तौर पर एंटी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या जितने प्रकार के फ्रेंड बुखार होते हैं उन सारे बुखारों में एग्यूनिल सिरप का यूज़ किया जाता है। बट विशेष तौर पर फ्रेंड मलेरिया में, डेंगू में प्लेटलेट्स का डाउन होना, फ्रेंड अगर किसी की प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी इंक्रीज करता है और प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी तेज़ी के साथ बढ़ाने के लिए एग्यूनिल सिरप जाना जाता है। तो फ्रेंड विशेष तौर पर इसका यूज़ डेंगू में किया जाता है, मलेरिया में किया जाता है, चिकनगुनिया में किया जाता है, किसी भी तरह का फ्रेंड बुखार हो उन बुखार में भी आप एग्यूनिल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। डेंगू में फ्रेंड प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं तो डाउन प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ाता है। एग्यूनिल सिरप के रिजल्ट की बात करें फ्रेंड तो मात्र 24 घंटे में इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। बहुत शानदार इसका रिजल्ट है, बहुत तेज़ी के साथ ये प्लेटलेट्स को काउंट करता है और प्लेटलेट्स को काउंट कर बहुत तेज़ी के साथ ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है और जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो वीक रहता है, इम्यून सिस्टम को तेज़ी के साथ बढ़ाता है और बॉडी के अंदर एक बूस्टर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड इस सिरप का यूज़ बदन में दर्द, पिंडलियों में दर्द, बुखार का चढ़ना और उतरना, बुखार का जाड़ा देकर आना, बुखार जब भी आता है तो आपको ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, इम्यूनिटी का वीक होना, इन सारी कंडीशन में फ्रेंड आप एग्यूनिल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। बहुत शानदार इसका रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आप फ्रेंड रोगों से बचाव के लिए भी आप एग्यूनिल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल फिट फाट हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, आप चाहते हैं कि मैं रोगों से महफूज रहूं, रोगों से बचता रहूं, तो फ्रेंड एग्यूनिल सिरप का बिना रोग के भी आप एग्यूनिल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये रोगों से बचाव के लिए जाना जाता है और बॉडी को फिट रखता है। अब बात करें फ्रेंड हम इसकी डोज की, एग्यूनिल सिरप की क्या डोज होती है, तो फ्रेंड 2-2 चम्मच आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, यानी कि 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन है तो फ्रेंड डॉक्टर्स दिन में 4 बार भी एग्यूनिल सिरप को यूज़ करने को कहते हैं। फ्रेंड यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो तो आप दिन में 2-2 चम्मच दिन में 4 बार भी ले सकते हैं, बट इतना ध्यान रखें फ्रेंड कि 4 से 5 घंटे का अंतर रखना चाहिए। अब बात करें फ्रेंड हम इसकी पैकिंग की, एग्यूनिल सिरप की पैकिंग कैसी है, तो फ्रेंड ये इसकी पैकिंग है, सेम पैकिंग आती है फ्रेंड। अब बात करें फ्रेंड हम इसके परचेज़ की, तो आप किसी भी मेडिकल से बहुत आसानी के साथ परचेज़ कर सकते हैं, मगर आप जब भी परचेज़ करें तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की ज़रूर एडवाइस लें, उसके बाद ही परचेज़ करें। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले हर नए टॉपिक की वीडियो बिना देरी किए हुए सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।